दोस्तों, अगर आप सूर्य कुमार यादव यानी स्काई के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, विराट कोहली या सूर्य कुमार यादव? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सूर्य कुमार यादव की तबाहतर और आकर्षक बल्लेबाजी ने सबका दिल जीत लिया है, सबको जानेंगे विस्तार से। इससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों की तीसरा मुकाबला राजकोट के श्रेष्ठ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 229 रनों का लक्ष्य दिया है। भारत की ओर से सूर्य कुमार यादव ने शतकीय पारी खेली और उन्हें सिर्फ 51 गेंदों पर 112 रन बनाए। सूर्य के अलावा शुभमन गिल ने भी अच्छी पारी खेली, उन्होंने 46 रनों की शानदार पारी खेली। राहुल त्रिपाठी ने 35, हार्दिक पांड्या ने 4, दीपक हुड्डा ने 4 और ईशान किशन ने 1 रन बनाकर आउट हुए। अक्षर पटेल ने 9 गेंदों पर 91 रन बनाए। अगर भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो इस मैच में सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ और आकर्षक बल्लेबाजी की है। इस मैच में सूर्य कुमार यादव ने शानदार शतक लगाया है। एक साल के अंदर उन्होंने तीसरी बार भारत के लिए T20 क्रिकेट में शतक लगाया और कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए है। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव का ये तीसरा शतक था। इस पारी के साथ ही उन्होंने भारत के KL राहुल और पाकिस्तान के बाबर आजम सहित कई बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है। ये दोनों बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 2 शतक लगा चुके हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव 3 बार एक रन कर चुके हैं। इस मैच में सूर्य कुमार यादव ने 45 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया था। सूर्य कुमार यादव का ये शतक T20 में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज शतक है। भारत के लिए सबसे तेज T20 शतक रोहित शर्मा ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ लगाया था। उन्होंने 35 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया था। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 127 रन पर आउट हो गई। भारत की ओर से कप्तान हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट और अक्षरदीप सिंह और युजवेंद्र चहल ने 2-2 विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच खिताब मिला सूर्य कुमार यादव को, जबकि मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला अक्षर पटेल को।